नवा शहर च किसानों ने बंद करवाया अंबानी का बनिया नवा रिलायंस शॉपिंग मॉल। अंबानी का रिलायंस बंद करवाने तो बाद किसानों ने मॉल अगे दिता धरना। कीर्ति किसान यूनियन नवा शहर ते होर किसान जथेबंदियों वालों नवा शहर में रिलायंस माल स्टोर नूं पूर्ण तौर बंद करने लई रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर अगे दिता धरना। केंद्र सरकार वालों जो किसान मारू आर्डिनेंस बिल पास किए गए हैं उन्होंने रोस वजो पूरे पंजाब इन आर्डिनेंस खिलाफ रोज़ ही रोज़ किसानों वालों अपने संघर्ष किए जा रहे हैं। इन धरने और रोस प्रदर्शनों में किसान और किसानी न जुड़े लोग भारी गिनती में इकट्ठे होकर केंद्र सरकार को यह आर्डिनेंस बिल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इन धरने में अंबानी और अडानी के वालों पंजाब पेट्रोल पंप रिलायंस कंपनी के माल हाउसों भी पंजाब बंद करने का ऐलान किया है। इस मौके किसान आगुआ ने मीडिया को जानकारी देते हुए दसिया कि अज उन्हां वालों नवा शहर के रिलायंस कंपनी का जो ये माल स्टोर खोलिया गया है जिस लोगों की जेबा विचों डाका मार के मोदी दी जेबा भरिया जांदियां ने। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों तो पलटवार करते हुए कहा कि सारिया पार्टियां 2022 दी चोणां दी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उन्होंने किसी भी सियासी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसलिए आने वाली 2022 दी चोणां विच वो किसी भी पार्टी का साथ नहीं देंगे। स्मार्ट का घराओ इस करके किया क्योंकि इतने रोज जी इन्होंने थोड़ा लोगों पहला जो सस्ता समान देना आ सस्ता होने दे करके इत्थे 31-31 40-40 लख की सेल हो रही है और ये सारा जिहड़ा असर वा साढ़े जिहड़े लोग है छोटे छोटे कारोबार करने या दुकाना करने वाले आ उन्होंने भी पैना। इन्हों बिलों के नाल कल्ली किसानी नहीं मरनी, ये आढ़ती भी ज्यादा लगेगा, ये होर जी लेबर है कम करने वाली आ चाहे पलेदार हो मजदूर हो किसी तरह के भी उन्होंने भी जाते लगना आ क्योंकि खेती के आर्डिनेंस जोड़े आ ये किसानी लिए बिल्कुल नहीं गए। ये MSP का रौला पा रहे हैं और लंबे समय तो अही कहते जारी रहनी MSP नहीं रहनी जारी और एक लैन पावे ये भाई सरकारी एजेंसियां लगातार खरीद करूंगियां और MSP तो घट के कोई भी नहीं खरीदेगा चाहे व्यापारी हो लैन पाण तो यह नठ रहा है। इतने यदि बेईमानी आ सियासी पार्टियां राहुल इतने क्यों आया, राहुल दिल्ली करे जो करना आ दिल्ली नू घेरे राहुल कांग्रेस एड्डी बड़ी पार्टी है उत्थे दिल्ली नू घेरे हो वो सिर्फ पंजाब दे विच इस करके आया वो 22 दी इलैक्शन लड़ रहा नाल उन्होंने भरा जिहड़े अकाली आ वो भी 22 दी इलैक्शन लड़ रहे आ। ये जो वड्डे वड्डे मॉल खोले जा रहे आ ते जिहड़ा छोटा अपने दुकानदार है वो खत्म किया जा रहा वो विरोध के किसान जथेबंदियां विच दुकानदार आढ़ती सारे इकट्ठे हो के इहदा इक रोस धरना इत्थे रेलवे स्टेशन तो लैके इत्थे तक रोज़ धरना असं इतने दे रहे हैं मॉल के सामने ये मॉल नहीं चलन देंगे तो लंबे समय तक जो तक मोदी कोई पिछे पैर नहीं पटता उदों तक किसान भी पिछे नहीं हटेगा। पॉइंट साडा ये आ भई तुसीं सारे इत्थे जानते हैं भी साडा छोटा जिहा जिला आ शहीद भगत सिंह नगर इत्थे एकदम मॉल खुल गया आ वड्डे वड्डे शहरां विच किद्दां इन्हां ने पैर पसारे हो इन्हां दीआं स्कीमां बहुत चिर दीआं एसीआं कमरियां दे विच बहि के चल रहीआं आ तो असीं इह चलण नहीं देवांगे क्योंकि इन्हीं साडी छोटी दुकानदारी भी खत्म कर देणी आ साडी किसानी नूं तां इन्हीं खत्म कर दित्ता आ इन्हीं छोटी दुकानदारी भी साडी खत्म कर देणी जो साडे गरीब महात्तड़ भरा शहर बाजार दे विच छोटे छोटे दुकान खुले वा इन्हीं 9 रुपए किलो खंड दा बोर्ड लाए वा दसो 9 रुपए किलो खंड कौन दे दूगा 35 रुपये लैके इन्हीं 2000 का नाल समान दे के महंगे भा दा सानू तां 9 रुपए किलो खंड देनी है जी।